स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त और इस वक्त हम अलवर के साइड पे जहाँ पर आपको आते हैं, जो सीमेंट की जो है बहुत तरह वेराइटियाँ बनती है। इस तरह जो लोग हैं तरह तरह की चीज़ें बनवाते हैं, आपको दिखाएंगे किस तरह जो सीमेंट की चीज़ें बनती है वो कैसे बनती है, इसकी पूरी जानकारी आपको देगी। और हमारे साथ मौजूद भी यहाँ के दुआ साहब है, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरह ये चीज़ें पूरी बनाई जाती है। और आपको दिखाएंगे कि जो चीज़ बनती है किस तरह बनती है और आइटम क्या क्या सीमेंट के जो अभी किस तरह बनते हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है दुआ, आप उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरह की। नमस्कार दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें बनती हैं? हमारे यहाँ सीमेंट आर्टिकल्स का काम किया जाता है, इसमें सीमेंट फैब्रिकेशंस भी अपन बोल सकते हैं उसको। हमारे यहाँ सीमेंट की जाली जो ट्रेडिशनल जालियाँ बनती हैं, पुराने ज़माने में बनती थी, अब ये व्यापार करीब करीब ख़त्म होने आया है, लेकिन हम लोगों ने इस व्यापार को अभी तक जिंदा रखा है। और इसमें हमारे पास जो मोल्ड होते हैं वो हम लोग सागवान की लकड़ी के मोल्ड आते हैं, आजकल फाइबर करके बर्क या लोहे के भी बनने लगे हैं। जो बेस्ट होता है वो लकड़ी का सागवान का होता है, अभी एक्सपेंसिव है, और उसमें हज़ारों तरह के डिज़ाइन बनते हैं। हमारे यहाँ पर सीमेंट की जालियाँ, सीमेंट के दरवाजे के चौकट्स, खिड़कियों के दरवाजे, और गार्डन के अंदर जो दाने के मार्बल के सोफे बनते हैं गार्डन के अंदर लगाते हैं, वो बनाए जाते हैं। पानी की टंकियाँ, पहले जो सीमेंट की ही चलती थी, ठंडा पानी रहता था, आजकल प्लास्टिक की आने लग गई, व्यापार बहुत ख़त्म हो गया इसका, कम हो गया, लेकिन अभी भी जानवरों वगैरह में हमारी सीमेंट की टंकियाँ ही चलती हैं। आजकल रिसोर्ट्स वगैरह का ज़माना है, जगह जगह नए नए पुष्कर वगैरह में रिसोर्ट्स बनते हैं, तो उसके एलिवेशन का काम भी हम लोग कर रहे हैं। उसके अंदर पिलर्स बनते हैं, मेहराब बनते हैं, चरोके बनाए जाते हैं, गुमटियाँ बनती हैं दीवारों के ऊपर, आपके जो पिलर्स बनते हैं दीवार के ऊपर वो लगाए जाते हैं, और कंगूरे बनाते हैं हम लोग दीवार के ऊपर, जो गढ़ वगैरह मार जो महल पहले पुराने ज़माने बनते थे उसके अंदर भुजियाँ बनती थी, तो वो भी हम लोग कंगूरे बोलते हैं उसको, कंगूरे बनाते हैं। और सीमेंट के कई तरह के गमले हैं हमारे पास, कम से कम 50 तरह के गमले हैं, और गमलों में भी एक छोटा 6 इंची से लेके हमारे पास 4 फुट तक का गमला है, और गमले में भी काफ़ी डिज़ाइन हैं हमारे पास में। इस तरह हम लोग सीमेंट के पैरो कवर्स भी बनाते हैं जो नाली वगैरह पर डाला जाता है, आजकल रोड क्रॉसिंग के अंदर लगते हैं, और इंटरलॉकिंग टाइल्स भी बनाते हैं। आजकल नया फैशन चला है फर्श के अंदर कलर वाले जो है ब्लॉक्स लगाते हैं, तो वो मेरे पास फैक्ट्री है तो हम लोग उसके अंदर बनाते हैं, केमिकल से बनता है, और उसका ऑटोमेटिक प्लांट भी आते हैं और मैनुअल प्लांट भी है। अभी हमारे अजमेर में तो मैनुअल प्लांट ही चल रहा है, आगे फ्यूचर के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उसका एक ऑटोमेटिक प्लांट लगाएं और एक नया व्यापार और चालू किया जाए। दिखाइए दिखाते किस तरह है ये बनते हैं प्लास्टिक के। हमारा जो ताने का सोफा है ये बन रहा है, जो गार्डन के अंदर लगेगा, लोग अपने बुजुर्गों के और अपने परिवार के नाम से गार्डन के अंदर जो दानदाता होता है वो अपने परिवार की तरफ से, या कोई जो लोग नहीं है उनके नाम से ये बना के वहाँ बगीचों में रखवाते हैं। ये गमले हैं, आप अंदर आइए। ये देखिए किस तरह है, ये जो गार्डन में है वहाँ ये सोफे लगाए जाते हैं, जो लोग होते हैं पुण्यतिथि या उनके स्वर्गीय है उनकी याद में, ये हर जो सोफे हैं ये गार्डन में लगाए जाते हैं, और ये जो सारे कार्य है ये यहाँ पर है जो होता है। देखिए किस तरह ये भाई साहब बना रहे हैं, और ये बनकर एक है जो तैयार भी हुआ है ये है। देखिए और भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये गमले हैं, ये गमले किस तरह तैयार होते थे, ये गमला है देखिए, तो पानी की टंकियाँ है, ये जो नया लोकेशन है वो आजकल पूरा ख़त्म होता है, जो लोया है वो हर चीज़ लोहे की शुरुआत हो गई, लेकिन जो एक इन्होंने भी आज जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो आज भी यहाँ पर जिंदा रख रखी है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ और भी मंदिरों में लगे, इसको मंदिर भी छतों पर लगाया जाता है, ऊपर रहता है वो गुंबद है तैयार हुआ है, वो है किस तरह पूरा सोफा तैयार हो रहा है। ये बहुत खूबसूरत काम है जो इनका यहाँ पर होता है, क्योंकि थाने के बिल्कुल नज़दीक ही आपका ये पूरा सोफा, देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से है जो इस पे बनाई हुई है। लैम्प वगैरह कहा जा सकता है इसको,
इसके अंदर रोशनी के वगैरह जो मकाने के गेट है वहाँ पर भी खूबसूरती से लगाया जाता है, रात को इसमें रोशनी है वो तो पूरी नज़र आ सकती है। मेरा बोल कहा जाता है इसको, बहुत ही खूबसूरत है इसका कार्य फिनिशिंग। ये पिलर बनाया जाता है इनको जो है दीवारों पे। सीमेंट की जाके दिखा, फाइबर मोल्ड है ये लकड़ी का जो सागवान का फर्मा है, ये टोडी बनती है पुराने जमाने में घरों में नराब के वगैरह काटते थे घरों में। बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देती है। ये पिलर है, ये पिलर है, ये फर्मा से बने डबल फ्रेम से जो जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल लैंप्स का डिजाइन है। एक पिलर देखो आप, बड़ा वाला पिलर देखो आप, गमले इसी तरह इनको दिन बनाने के बाद है जो पानी में भी रखा जाता है, ये दिखाते हैं आपको ये पानी, ताकि ये और मजबूत हो सके। पानी में रखने से इसकी जो मजबूती है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है, बहुत पक्का हो जाता है पानी में रखने से इसकी मजबूती होती है। ये पूरी इन्होंने चारिया बना रखी है, इसमें पानी में जो बनने के बाद है वो इसको पानी में छोड़ देते हैं ताकि ये जो मजबूत हो गमले। देखिए पानी की टंकियाँ के लिए है, लेकिन अब लोग प्लास्टिक की टंकियाँ सिंटेक्स की टंकियाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पुराने ये जो सभ्यता है आज भी इन्होंने कायम रखी। नए डिज़ाइन के गमले बनाए हैं, देखिए बहुत ही अच्छा कार्य है भाई साहब। गमले बन रहे हैं बतके का है, यहाँ पे भी बतके बनाई जाती है, हाथी है और भी कई तरह के आइटम है, मोर हुए, कई तरह के प्रकार के आइटम है, यहाँ अलग अलग आइटम दिखाए जाते हैं।